बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपसे ट्राउजर का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से प्लेट्स डालते हुए पल्स और डोरी के साथ जो है इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसकी जो मैंने इस तरह से विड्थ ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने लॉन्ग ले ली है ताकि हम इसके ऊपर जो है प्लेट्स डाल सकें। तो यहाँ जो है मैं 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए इसी तरह से मैंने जो है 1 इंच का फासला हम छोड़ लेंगे सबसे पहले फ्रंट से, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स डाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट डाली है। अब एक प्लेट्स को जो है वो हम इस साइड पे फोल्ड करेंगे और सेम इसी तरह से पकड़ते हुए 1/2 इंच के फासले के बाद जो है हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच का फासला रखेंगे और यहाँ हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से जो है 2 प्लेट मैंने डाली हैं, इस तरह से 1/2 इंच का फासला रखा है। बाकी सारे प्लेट्स हम इस तरह से डालेंगे, प्लेट्स को हम इस साइड पर फोल्ड करते जाएंगे और सारे प्लेट्स इसी तरह से डालेंगे। तो यहाँ जो है मैंने सारे इस तरह से प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स जो है वो मैंने एक साइड पर प्रेस करते हुए जो है सारे बैक साइड पर जो है बुकरम अटैच कर ली है, और इसके दरमियान में मैंने एक लाइन ड्रा किया। सबसे पहले जो है हम दोनों साइड पर एक एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे और दरमियान में हम डोरी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ जो है मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है और एक सिलाई मैंने इस तरह से दरमियान में लगा ली है। अब जो है हम दरमियान वाली सिलाई के ऊपर जो है डोरी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने 2 डोरियाँ इस तरह से सेम साइज़ में रेडी कर ली हैं। तो डोरी रेडी करने का मेथड मैं बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। सेम इसी तरीके से डोरी रेडी कर लेंगे और अब इसके दरमियान में हम 2 डोरियों के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। इस तरह से क्रॉस में रख लेने के बाद जो है हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो है हम दोबारा इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे। इस तरह से हम क्रॉस करते हुए एक राउंड जो है शेप करेंगे हल्की सी, और उसके बाद जो है हम इस तरह से करते हुए सारी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ जो है मैंने दरमियान में इस तरह से डोरी के साथ जो है डिज़ाइनिंग कर ली है। इसके दरमियान में हम पल्स अटैच करेंगे। अब जो है हम प्लेट्स को सारे एक साइड पर फोल्ड करते जाएंगे और दरमियान में हम इस तरह से प्लेट्स को फोल्ड करते हुए सारी सिलाई लगा लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो प्लेट्स की जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ सारी डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। बैक साइड पे जो है इस तरह से बुकरम आ जाएगी और यहाँ साइड पर इस तरह से प्लेट्स के साथ डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने ट्राउज़र का 5 इंच इस तरह से ले लिया और यहाँ मैंने जो है 4 इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ प्रेस की मदद से जो है मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। इस तरह से 4 इंच का फासला हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ फ्रंट साइड से भी मैं इसकी जो है इस तरह से 1/2 इंच की फोल्डिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है हम डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो लाइन हमने ड्रा की है इसके अंदर हम इसको रखेंगे और यहाँ सिलाई के ऊपर जो है इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ भी और इस साइड पर भी। उसके बाद जो है हम इसकी फोल्डिंग जो है इसके ऊपर इसी तरह से कर देंगे, तो सिलाई हमारी कवर हो जाएगी। डिज़ाइन हम इसके ऊपर ही इसी तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे, सारी फोल्डिंग वगैरह इसके अंदर से ही हो जाएगी। तो सबसे पहले दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। लगाने के बाद जो है हम इसकी इसी तरह से फोल्डिंग कर लेते हैं। हाँ जो है मैं डिज़ाइन इस तरह से अटैच करते हुए इसको जो है ऊपर साइड वाली साइड पर फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है, सिलाई हमारी कवर हो जाएगी। अब यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिंपल सिलाई लगाई है, अब इस सिलाई को हम कवर करेंगे। तो उसके लिए जो है हम इसको बैक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। बैक साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है हमने जो सिलाई लगाई है, जब हम इसको बैक साइड पर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। तो इजाफी कपड़ा जो है वो इस साइड पर आ जाएगा और जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई जो है फैब्रिक कवर हो जाएगा और धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। सेम इसी तरह तरीके से हम पकड़ते हुए सारी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है बैक साइड पे। तो बैक साइड जो है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो है सारा डिज़ाइन हमारा इसके अंदर जो है फिक्स हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर इस तरह से पल्स अटैच करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम जो है पल्स अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ जो मैंने डोरी की डिज़ाइनिंग की थी इसके अंदर मैंने इस तरह से एक एक पल्स अटैच कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी डिज़ाइनिंग हमारी रेडी हो गई है।
तो आज की जो है मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।